गुड इवनिंग सभी को। जल्दी से आवाज़ क्लियर हो तो यस करना एक बार, जल्दी जल्दी से। अगर आपको आवाज़ क्लियर है सभी को तो एक बार यस कर दें। काफ़ी नाम मैं देख पा रहा हूँ, 13 लोग की, नेताजी आइटम, सावन सिंह राणा है, हिमांशु सिंह है, प्रियांशु चौहान है, कपिल रावत है। बढ़िया, ठीक बात है। हिमांशु मोंड है, गुड इवनिंग सर। बोर्ड पे नहीं होगी क्लास? अरे बोर्ड जो है ना यार, वहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट के अंदर है, लेकिन ये क्लास जो मैं घर से ले रहा हूँ, तो घर से क्लास जो है मुझे इसी तरीके से लेनी पड़ेगी। तो आपके दो टॉपिक रहते थे, एक स्टैटिस्टिक्स था और एक आपके पास अलजेब्रा और इक्वेशन का कंसेप्ट था। ये दो टॉपिक आप लोगों के बचे हुए थे। तो स्टैट्स की तो डेली आपको एक अपलोडेड वीडियो मिलेगी, जैसा कि आज आपने सुबह देखा था, आपको 1 घंटे की एक टेबल चार्ट के ऊपर आपको वीडियो मिली थी। तो आने वाले लगभग 5-6 दिन डेली आपको एक वीडियो मिल जाएगी और वो आपका लगभग 5 या 6 लेक्चर के अंदर स्टैट्स ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो ये अलजेब्रा है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कितना इम्पोर्टेंट है ये चीज़ आप यहाँ से देख सकते हो। हाँ भाई, इसको गौर से देखकर मुझे बताओ कि आप लोगों को क्या दिखाई दिया। सावन सिंह कह रहा सर एनी बैच कमिंग फॉर CDS 2 2024। अभी ऑनलाइन बैच की तो सावन कोई अपडेशन है नहीं हमारे पास, लेकिन ऑफलाइन जो है ये आपको मिल जाएगा। हाँ भाई, इसको गौर से देखकर मुझे बताओ कि आप लोगों को यहाँ पर क्या चीज़ दिखाई दे रही है, क्या बात आपने नोट करी। यहाँ पर आपने क्या बात नोट करी है। कपिल कह रहा है सर अलजेब्रा की वेटेज, इक्वेशन अलजेब्रा से। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो इक्वेशन और अलजेब्रा का पार्ट है, यहाँ आप 2017 से लेकर 2023 तक की बात हो रही है। अब ये देखो 18+19, 18 और 19 का मतलब भाई 37 नंबर का इक्वेशन और अलजेब्रा में से इस बार का पेपर आया था। तो मैं आपको सीधा सीधा एक हिसाब बता दूं कि जब कभी भी आपको CDS का पेपर लगे ना कि CDS का पेपर मुश्किल है, इसका मतलब अलजेब्रा और इक्वेशन के कारण ही मुश्किल है। ज्योमेट्री के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, अर्थमेटिक के अंदर मुश्किल कुछ बढ़ नहीं सकता। जो कुछ थोड़ा सा अटपटांग सा बनेगा, अजीब सा बनेगा, वो इक्वेशन और अलजेब्रा में से बनेगा। तो अगर आप ये 2 क्वेश्चन को भी अलजेब्रा के अंदर ऐड करें और उसके बाद ये 1 क्वेश्चन लोगरिथम को भी अगर आप अलजेब्रा में ऐड कर दें, तो आप देखोगे ये टोटल 40 क्वेश्चन जो थे ये आपके पास अपने पेपर के अंदर आए थे इस बार, 40 क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ पर इस चैप्टर के जरूर 5 पार्ट कर दिए हैं, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13, 14 और 15। लेकिन ये 5 अलग अलग चैप्टर नहीं है, ये 5 चैप्टर अलजेब्रा के ही अंदर माने जाते हैं। इक्वेशंस जो है वो भी एक अलजेब्रा का ही पार्ट है। अगला भी आप देख सकते हो अलजेब्रिक फैक्टर है, अलजेब्रा का ही पार्ट है। सेट थ्योरी भी अलजेब्रा के अंदर आती है और लोगरिथम जो है वो भी अलजेब्रा के अंदर आता है। तो आप कह सकते हो कि अलजेब्रा जो है हमारे CDS के पेपर में 40 नंबर की आई थी इस बार, 40 नंबर की। ठीक बात है। और आप देखोगे अगर 2017 से जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो तो आप देख पा रहे हो लगभग क्वेश्चन बड़े बड़े हैं पहले से। पहले 5, 5, 7, 7, 9, 3, 7 थे, धीरे धीरे ये क्वेश्चन 10 के पार हो गए। इसका मतलब आजकल जो ट्रेंड चल रहा है अलजेब्रा में से क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। और यहाँ आप ज्योमेट्री को गौर से देख लो, नीचे ज्योमेट्री को देखोगे तो ज्योमेट्री की लाइन लगातार देखो कम हो रही है। सही बात है, 21 से शुरू हुई थी, 21, 20, 17 से लेकर 13, 10, 16, 13, 10 और लास्ट में 9 पर आके ख़त्म हो गई है। तो आप ये कह सकते हो कि अलजेब्रा जो है वो बढ़ता जा रहा है, ज्योमेट्री जो है वो लगातार अपनी कम होती जा रही है, लेवल भी बढ़ रहा है। कपिल बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो आपको पता लग गया होगा कि ये जो हमारे पास अलजेब्रा है हमने किस लेवल पे करनी है। तो आप इस पूरे के पूरे चार्ट को अच्छे से देख लें, आपको बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें यहाँ पर पता लगेगी। ये हर एक चीज़ नाप तोल कर बनाई गई है, हर एक पेपर को एनालिसिस करके उसके PYQ इस बुक में ऐड करने के बाद ये चार्ट जो है ये मेरा खुद का तैयार किया हुआ है। तो इसके अंदर आप एक क्वेश्चन के अंदर भी कोई गलती नहीं कह सकते कि इसमें से इतने नंबर का कभी आता ही नहीं है, सर ने तो ऐसे ही लगा दिया। ऐसा नहीं है, एक एक क्वेश्चन जो है आपका PYQ से चेक किया गया है ठीक बात है, ओके है। सचिन कह रहे हैं सर जी हार्दिक के अंदर मुंबई तो पंचर हो। अरे यार क्या बात कर रहे हो, अलजेब्रा 20 भाई साहब 20 दिन रह गए पेपर में सीडीएस में, ये हार्दिक पांड्या कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, हम वो तो फिर भी दो तीन तंत्र मंत्र जानता है। ठीक है, आपने देखा होगा मैच के अंदर वो कुछ ऐसी हरकतें करता होता है, पर वो हमारे काम का नहीं है। ठीक है, अपने को सीडीएस के लिए देखना पड़ेगा। चलो हिमांशु कह रहे हैं सर ज्योमेट्री और मेंसुरेशन आपकी वाली प्लेलिस्ट से कर ले तो हो जाएगा। भाई मैंने तो इसी कोशिश के साथ करवाया पूरा, ताकि 22 चैप्टर 22 क्लासें लिए देखो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन की, और वो 22 क्लासें इसीलिए लिया क्योंकि इनमें से जो टोटल 25 नंबर का आता है वो आ जाए। ठीक बात है, ओके। कपिल कह रहा है सर 2 जगह लाइव है सर बंदे, इस बात का मतलब नहीं समझा। अच्छा मैच देख रहे हैं साथ साथ, चलो कोई ना। चलो जल्दी से बताओ फिर, रेडी हैं तो यस करो भाई, जल्दी जल्दी से रेडी हैं तो आप यस करेंगे फिर। सभी लोग जल्दी से यस करेंगे, है ना। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको डेमो भी दिखा दूं, है ना, इक्वेशन चैप्टर का। इक्वेशन सर ऐप एग्ज़ाम कितने दिन पहले लीव कर दोगे? एग्ज़ाम कितने दिन पहले लीव कर दोगे? मैंने एग्ज़ाम में क्यों जाना? या एग्ज़ाम से पहले पूछ रहे हो कि कितने दिन पहले हमें छोड़ दोगे कि सिलेबस हो गया अब तुम पढ़ लो, क्या कहना चाहते हो? सर जी बोर्ड पे पढ़ा दो। अरे रात को मैं बोर्ड कहाँ से लेके आऊँ भाई, वो एकेडमी में लगाओ बोर्ड। तो अगर आपको बोर्ड की ज़्यादा डिमांड रहेगी तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना, मैं कल से क्लास जो है थोड़ा सा डे टाइम में लिया करूँगा। फिर अगर आप बोर्ड के साथ ज़्यादा कम्फर्टेबल होते हैं तो मुझे बता देना, मैं कल से फिर दिन में ले लिया करूँ क्लास। 2000 कहाँ है अपना 23, ये रहा 2023। ठीक है, चलो ये बात भी ठीक है। सर कभी भी ले लो क्लास, हम आ जाएंगे, एक टाइम फिक्स कर दो, ऋषभ कह रहा है। चलो शुरू करें फिर आज क्लास, सभी बातों का जवाब फिर मैं टाइम टू टाइम दूंगा। चलो शुरू करते हैं फिर। देखो भाई पहले इस बार के पेपर को देखो, इस बार के पेपर के क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहले मैं इक्वेशन करवा रहा हूं, इक्वेशन के बाद अपने अलजेब्रा की ओर चलेंगे। ठीक है भाई, इक्वेशन के बाद अपने चलेंगे अलजेब्रा की ओर। इस बार के पेपर में आपने देखा था कि इक्वेशन में से 18 क्वेश्चन आए थे। इक्वेशन में से आपने देखा कि 18 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, ये देखो उन 18 क्वेश्चनों के बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। ये क्वेश्चन भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। ये पैराग्राफ आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आया है। ठीक बात है, ओके है। उससे पिछला आप देख पा रहे हो, ये 2 क्वेश्चनों का पैराग्राफ है, और ये आपके पास जो पैराग्राफ है ये लीनियर इक्वेशन के ऊपर आया है। ये पैराग्राफ जो है ये लीनियर इक्वेशन के ऊपर है। उससे पिछला पैराग्राफ मैं देख पा रहा हूं, ये भी इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर आया था। उससे पिछले मैं यहां पर 2-3 क्वेश्चन देख पा रहा हूं, ये भी क्वाड्रेटिक का, ये भी क्वाड्रेटिक का, ये लीनियर इक्वेशन का। उसके बाद ये स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन, ये भी लीनियर इक्वेशन का। उससे थोड़ा और पीछे चलता हूं तो ये स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। उससे थोड़ा और पीछे चलता हूं तो ये 5 क्वेश्चनों का पैराग्राफ आया है, और ये 5 क्वेश्चनों का जो पैराग्राफ है इसको मैं लीनियर इक्वेशन के अंदर रख रहा हूं। 5 क्वेश्चनों के पैराग्राफ को इसको सोल्व करेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, ये देखोगे ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, ये क्वेश्चन आपके पास फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। लो भाई ये 2023 के फर्स्ट पेपर में चले गए अपने। यहाँ तक की एक बार बात करते हैं तो आपने क्या बात नोट करी, आपने ये देखा कि इन 18 क्वेश्चनों में से लगभग 8-9 क्वेश्चन ही क्वाड्रेटिक में से आए हैं, लगभग 8-9 क्वेश्चन ही हमारे पास लीनियर इक्वेशन में से आए हैं। ठीक बात है भाई, 8-9 क्वेश्चन आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से है और 8-9 क्वेश्चन ही आपके पास लीनियर इक्वेशन से है। इस बार के पेपर में लीनियर और क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन बराबर बराबर आ गए लगभग, लेकिन मैक्सिमम बार हमेशा ये होता है कि क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन 80% आते हैं, लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन सिर्फ 20% आते हैं, ठीक है। 80% जो है इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और बाकी का 20% आप कह सकते हो लीनियर इक्वेशन के कंसेप्ट है, ठीक बात है। चलें आगे बढ़ेंगी बात, ठीक है। प्रणाम भाई, प्रणाम, ठीक है। चलो फिर कहानी शुरू करते हैं आज की। देखो लीनियर इक्वेशन क्या होती है, पहले उसको देखते हैं। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की पावर 1 हो। जैसे ये आपको मैंने एक इक्वेशन दे दी और बोला इसको सोल्व करके आप x की वैल्यू बताओ, तो यहां आपने देखा कि x की पावर में सिर्फ 1 है। ये लीनियर इक्वेशन है और इसमें आप देख रहे हो x के अलावा कोई और वेरिएबल नहीं है, तो ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है। x माइनस 2 अपॉन में 5 है प्लस x माइनस 3 अपॉन में 4 है प्लस 1 इक्वल टू 0। आप इसको जब एलसीएम लेकर सोल्व करोगे तो कहीं पर भी भाई x की पावर 2 नहीं आएगी, कहीं पर भी आपके पास x की पावर 2 नहीं आएगी। तो ये भी आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है, मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें x की पावर 1 से ज्यादा ना हो, वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है। अगर मैं इस तरीके से इस इक्वेशन को लूं, देखने में तो आपको ये लग रहा है कि इसमें x की पावर 1 ही है, लेकिन जब आप इसको एलसीएम लेकर सोल्व करोगे ना भाई, तो x की पावर 2 हो जाएगी, x² बन जाएगा। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। पहले वाली लीनियर इक्वेशन है और ये भी आपके पास दूसरे वाली लीनियर इक्वेशन है, लेकिन इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेंगे। और यहां आप देख पा रहे हो कि सिर्फ x की पावर 1 है, x के अलावा कोई वेरिएबल नहीं है, इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल इसको बोला जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं आपको इस तरीके से इक्वेशन दे दूं कि 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0, आपने जब इस इक्वेशन को गौर से देखा तो भाई x और y आपको दो दो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी पावर 1 ही है। तो इसको बोलूंगा मैं लीनियर इक्वेशन ऑफ डबल वेरिएबल। डबल वेरिएबल मतलब x और y की पावर 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर x और y की पावर 1 है, 1 से ज्यादा नहीं है, तो उसको मैं लीनियर इक्वेशन बोलूंगा, और अगर पावर 1 से ज्यादा होगी तो मैं क्वाड्रेटिक की ओर चला जाऊंगा। एक वेरिएबल है x तो लीनियर इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल, दो दो वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन ऑफ डबल वेरिएबल, और जरूरत पड़ने पर हमें 3-3 वेरिएबल वाली इक्वेशन को भी थोड़ा बहुत सोल्व करना पड़ सकता है। ये लो, इस बार मैंने एक्स वाई जेड के साथ टोटल 3 वेरिएबल लिए हैं, इसको मैं बोलूंगा लीनियर इक्वेशन ऑफ ट्रिपल वेरिएबल। ट्रिपल वेरिएबल। यहां तक सभी लोग डन कर दें। अगर आपको सिंगल वेरिएबल, डबल वेरिएबल और ट्रिपल वेरिएबल के अंदर फर्क क्लियर हो गया हो तो। हाँ भाई, लीनियर इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल का मतलब क्या है, लीनियर इक्वेशन ऑफ डबल वेरिएबल का मतलब क्या है, और लीनियर इक्वेशन ऑफ ट्रिपल वेरिएबल का मतलब क्या है। विशाल शर्मा कह रहा है सर आपका पूरा कोर्स कर लिया रिकॉर्डेड से, बहुत शानदार पढ़ाते हैं सर आप। ये बंदा पंप दे रहा है, बहुत बढ़िया, ऐसे पंप आते रहने चाहिए, बहुत बढ़िया है, ठीक है भाई, ओके। तो ये हमारे पास थी लीनियर इक्वेशन। हिंदी के अंदर इसको बोलते हैं अपने रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण इसको बोलेंगे, ठीक बात है, रैखिक समीकरण। सिंगल वेरिएबल, वेरिएबल को अपने हिंदी के अंदर चर बोल देते हैं, जिसके अंदर सिर्फ एक ही चर हो, यहां पर जिसके अंदर 2 चर हो, और यहां पर जिसके अंदर 3 चर हो, उसकी बात की गई है, ठीक बात है। सभी को यहां तक क्लियर हो गया। अब सुनो, ये जो लीनियर इक्वेशन है इसको सोल्व करके हमारी x की हमेशा सिर्फ 1 ही वैल्यू आया करती है। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 3/2 मिलेगी। मतलब लीनियर इक्वेशन को सोल्व करके x की वैल्यू आपको सिर्फ 1 मिलती है, सेम उसी तरीके से जब एलसीएम लेकर आप इस लीनियर इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आप फिर देखेंगे कि आपको x की एक ही वैल्यू मिलेगी। तो लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने पर x की हमेशा एक ही वैल्यू मिला करती है। कल को अगर हम कभी इस लीनियर इक्वेशन को सोल्व करेंगे ना डबल वेरिएबल की, तब भी हमें x और y की एक ही वैल्यू मिलेगी। लीनियर इक्वेशन ऑफ ट्रिपल वेरिएबल को अगर हम कभी सोल्व करेंगे तो हमें x, y, z की एक ही वैल्यू मिलेगी। तो सीधी सीधी बात यह है कि लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने पर हमें अपने वेरिएबल की हमेशा एक ही वैल्यू मिलती है। ठीक बात है, ओके, हमेशा एक ही वैल्यू मिलेगी। सिंगल वेरिएबल चाहे डबल वेरिएबल हो, चाहे आपके पास ट्रिपल वेरिएबल हो, सोल्व करने पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू मिलती है। और जो x की वैल्यू मिला करती है उसको हम इक्वेशन का क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं, मूल बोलते हैं, रूट हो गया। ठीक बात है, तो x की जो भी वैल्यू आती है वो मेरे पास क्या होती है? उसका रूट होती है। तो मैं बोलूंगा कि लीनियर इक्वेशन का हमेशा एक रूल होता है। अगर आपको ये बोला जाए कि लीनियर इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल होती कैसी है दिखने में, तो आप बोलोगे सर ax प्लस बी इक्वल टू जीरो टाइप की जो इक्वेशन होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल बोलते हैं। और ऐसी इक्वेशन जो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के टाइप की होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन ऑफ डबल वेरिएबल बोलते हैं। और लास्ट आपके पास ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो, इस शक्ल की जो इक्वेशन होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन ऑफ ट्रिपल वेरिएबल बोलते हैं। ठीक बात है, बनेगी बात? जल्दी से एक बार डन कर दो, अब मेरा अगले पेज पर जाने का टाइम आ गया है। जल्दी से एक बार डन करेंगे ताकि पन्ने को पलटा जाए फिर। हाँ भाई, ठीक बात है। सत श्री अकाल भी अनुराग, ठीक है, बढ़िया। आगे चले तो एक जने की और डिमांड आई है कि सर बोर्ड पर क्लास लिया करो। यार बोर्ड वाले बंदे ज़्यादा हैं बोर्ड पर क्लास लेने की बात करने वाले। चलो सोचते हैं इसके ऊपर, करते हैं कुछ। आगे सुनो, अब मैं फिलहाल क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ लीनियर इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल के ऊपर लेने जा रहा हूं। उसके बाद हम डबल वेरिएबल की ओर चलेंगे, लेकिन फिलहाल मेरे जो क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ लीनियर इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल वाले। तो सबसे पहले तो मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या आपको सिंगल वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन सोल्व करनी आती है। तो आपको एक दो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे उन क्वेश्चंस का जल्दी जल्दी जवाब दो। एक्स माइनस 5/2 प्लस एक्स बाई 3 इक्वल टू जीरो, ये मैंने आपको एक नकली सी लीनियर इक्वेशन दी है और मुझे आप लोग इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन बताएंगे क्या आएगा। करो भी जल्दी से। इस इक्वेशन को सोल्व करके क्या आएगा? प्रवीण पूछ रहा है कि सर कितनी क्लासेज में हो जाएगा, कितनी क्लासेज के अंदर हो जाएगा? यार ये लगभग 15 तारीख तक चलेगा, 15-16 तारीख तक। ठीक है, 15-16 तारीख तक आपका ये अलजेब्रा और जो ये आपका इक्वेशन चलेगा। थोड़ा सा शेयर करते रहा करो भी क्लास को, ठीक है, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो सोल्व करके सभी ने बोला है कि सर आंसर जो आएगा वो 3 आएगा। चेक करें फिर एक बार। 6 मैंने एलसीएम ले लिया, और ऐसा तो कोई बंदा नहीं है जिसको एलसीएम लेना ही नहीं आता। अगर किसी को एलसीएम लेना नहीं आता तो भाई ओटीए की ओर देखेंगे, वो मैथ्स के चक्कर में मत पड़ जाना। 3x माइनस, यहाँ पर आपके पास सर मोक भी लगाओगे? मोक तो आ गया अभी, मोक टेस्ट तो यार पे उसके अंदर है अपने पास। ऐप के ऊपर देखो, ऐप के ऊपर मोक टेस्ट आपको मिल चुके होंगे। ठीक है, इक्वल टू जीरो। तो 5x की वैल्यू आपके पास 15 आ गई, और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास जो आ रही है वो 3 आ रही है। बिल्कुल ठीक बात है, x की वैल्यू 3 आ रही है। एक लीनियर इक्वेशन के ऊपर एक लास्ट क्वेश्चन और हो जाए। लो भाई, इस इक्वेशन को सोल्व करके बताएंगे कि x की वैल्यू क्या आ रही है। चाहे एक्स की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है जैसी भी आ रही है, लेकिन लीनियर इक्वेशन को सोल्व करके एक्स की आपको सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी। लोकेश कह रहा है सर मेरा आंसर 38/41 आया है। शायद बंदे का ठीक आया, समझदार बंदा है, होशियार बंदा है अपना ये। तो 5, 3 और 2 का एलसीएम आया 30, तो ये बनेगा 15x + 6x + 12 + 20x - 50 = 0। 20 और 6 26, 26 और 15 41 हो गया। कांस्टेंट को देखूंगा तो माइनस का 38 आएगा। मतलब जो आंसर बताया गया था वो आंसर बिल्कुल सही है। 38/41 अपना आंसर आएगा। 38/41 ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। 38/41 ठीक है। तो यहां पर आपने ये देखा कि भाई लीनियर इक्वेशन को हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन पेपर वाला कभी लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए नहीं बोलेगा। वो कभी आपको लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का क्वेश्चन देगा ही नहीं। ये जो इक्वेशन आपको सामने दिखाई दे रही है ना भाई, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़कर ये इक्वेशन आपको खुद बनानी पड़ेगी, उसके बाद उसको सोल्व करके आंसर निकालेंगे। तो आप कभी भी ये मत समझना कि क्वेश्चन वाला आपको इस तरीके से लीनियर इक्वेशन बनी बनाई देगा, ऐसा नहीं होगा। लीनियर इक्वेशन भी आपको बनानी पड़ेगी। ठीक बात है। स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन आएगा। ऋतिक ने बिल्कुल ठीक बोला है, स्टेटमेंट टाइप का। तो मैं आपको स्टेटमेंट का क्वेश्चन दिखाता हूँ। स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन अपने करते हैं। ठीक बात है। चलो तो मैं अपनी शीट के ऊपर चलता हूँ। स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। चलो लीनियर इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 118 के बारे में सोचो। क्वेश्चन नंबर 118 आपके सामने लिखा हुआ है। ये आपके पास लीनियर इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल का क्वेश्चन है, जो कि आपके सीडीएस 2021 के सेकंड पेपर में आया है। तो स्टेटमेंट को पढ़कर वो लीनियर इक्वेशन आप खुद बनाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि ये पर्सन एग्री करता है 30 दिन काम के लिए, और शर्त ये रखी जाती है कि जिस दिन वो काम करेगा उसको 500 रुपये मिलेंगे डेली, और अगर वो छुट्टी करता है तो उसका 100 रुपये कटेगा भी। और ये देखा गया कि उस बंदे को लास्ट में 11,400 रुपये मिले। तो बताओ उसने 30 में से कितने दिन तक काम किया? ये क्वेश्चन है। ये आपके पास 2021 के सेकंड पेपर का क्वेश्चन है और लीनियर इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जवाब अभी तक फिलहाल सिर्फ एक ही बंदे ने दिया है। तो इस क्वेश्चन में इक्वेशन कैसे बनेगी? टोटल 30 दिन की बात थी, 30 दिन की। ठीक है, ये मान लो कि वो बंदा 30 में से कितने दिन प्रेजेंट हुआ? x दिन। कितने दिन एब्सेंट हुआ? वो दिन आपके पास हो जाएंगे 30 - x। आप मेरी बात से सहमत होंगे कि 30 में से अगर वो x दिन काम पर आया है तो कितने दिन एब्सेंट हो गया? 30 - x। जिस दिन काम पर आया डेली उसको 500 रुपये मिले, तो 500 × x उसको इतने रुपए मिले। अब ये मिले हैं तो ये मैंने प्लस लगा दिया। जितने दिन काम पर वो नहीं आया उसके डेली 100 रुपए कटे। तो जितने दिन नहीं आया डेली 100 रुपए कट रहे हैं, इसको मैंने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। और इक्वल टू में उसको टोटल जो हिसाब किताब है भाई 11,400 रुपए मिले हैं। क्या आप सभी को मेरी ये लीनियर इक्वेशन समझ आ गई? अब आगे बस इसको सिर्फ सोल्व करना है और आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब आपने इसको सिर्फ और सिर्फ सोल्व करना है। तो 500x और ये 100x मिलकर 600x बना लेंगे। ये 3000 और 11000 मिलकर 14400 बना लेंगे। और जब यहाँ से x की मैं वैल्यू निकालूंगा तो वो x की वैल्यू मेरे पास 24 आ रही है। क्या सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया भाई? समझ आया? तो ये लीनियर इक्वेशन को बनाना हमारे लिए ये ज़्यादा अच्छा था, ये ज़्यादा जरूरी था। नहीं तो लीनियर इक्वेशन को सोल्व तो बाद में हर एक ही कर लेता है, लेकिन स्टेटमेंट को पढ़कर इक्वेशन बनाना हमें आना चाहिए। गुरुजी ऐप पर जो मॉक है वो हम लैपटॉप पे नहीं अटेम्प्ट कर सकते क्या? वेबसाइट से कर सकते हो भी लैपटॉप पर अटेम्प्ट। आप जो मॉक टेस्ट है वो लैपटॉप पर भी अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको लैपटॉप पर web.class+ सर्च करना पड़ेगा, ठीक है, web.class+। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 118 जो है ये समझ आ गया होगा। ठीक बात है? ओके, और क्वेश्चन लेता हूं। लीनियर इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल के ऊपर कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। लीनियर इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल, ये लो क्वेश्चन नंबर 104 को देखो। क्वेश्चन नंबर 104। गुड इवनिंग भाई विकास, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ए 60-page नोटबुक हैज n लाइन्स पर पेज। If the number of lines were reduced by 3 in each page, the number of pages would have to be increased by 10 to give the same writing space. n की वैल्यू आपसे पूछी गई है, क्या होगी? अक्षत ललित, गुड इवनिंग भाई अक्षत, गुड इवनिंग। बताओ जल्दी से। CDS के जो मॉक टेस्ट हैं ऐप के ऊपर अपलोड हो चुके हैं अभी सारे, ठीक है। तो आप चंडीगढ़ करियर ग्रुप की एप्लीकेशन से मॉक टेस्ट दे सकते हो। इंग्लिश के, जीएस के, मैथ्स के टाइम टू टाइम आपके पास मॉक टेस्ट हैं। तो सभी लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर जो बताया है वो 21 21 21 बताया है। सुनो क्वेश्चन में क्या बोला है। कहता है 60-page बुक हैज n लाइन्स पर पेज। एक पेज के ऊपर n लाइन्स है, n, और उस नोटबुक में टोटल 60 पेज है। तो पूरी नोटबुक में टोटल लाइनें कितनी होगी? एक पेज पर अगर n लाइनें हैं तो 60 पेज की उस पूरी बुक में टोटल 60n लाइन्स हो जाएगी। सही बात है? ओके, टोटल इतनी लाइनें पूरी बुक के अंदर। फिर उसने क्या बोला? इफ नंबर ऑफ लाइन्स वर रिड्यूस्ड बाय 3, अगर हरेक पेज पर n की बजाय कहता है n-3 लाइन्स हो जाए तो कहता है नंबर ऑफ पेज जो है ना 10 बढ़ जाएंगे। तो टोटल लाइनें पूरी बुक में हम कितनी हो जाएगी? 70 × n-3। नंबर ऑफ पेज आपके 10 बढ़ गए, लेकिन जो आपकी हर पेज के ऊपर नंबर ऑफ लाइंस जो है वो 3 रिड्यूस होगी। अब बुक तो वही है, उसने बोला सेम राइटिंग स्पेस की बात की है, तो ये दोनों, ये जो कंटेंट है वो आप इक्वल टू कर देंगे कि पहले जितनी लाइन्स थी अब भी उतनी ही लाइन्स है। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो 10n = 210। तो यहां से आप देख सकते हो कि n की वैल्यू आपके पास 21 आ रही है। n की वैल्यू जो है वो आपके पास 21 आ रही है। बताओ भी जल्दी से, क्या सभी लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने देखा। तो ये क्वेश्चन भी लीनियर इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल का क्वेश्चन था। तो लीनियर इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल के ऊपर क्वेश्चन काफी कम आते हैं, लेकिन लीनियर इक्वेशन ऑफ डबल ट्रिपल वेरिएबल के ऊपर क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आते हैं। लेकिन फिर भी हमने लीनियर इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल को छोड़ना नहीं है, कुछ और क्वेश्चंस के बारे में अपने बात करते हैं इसके ऊपर। हाँ भाई, मेरे को ये भी ऐसे ही लग रहा है। नहीं, लीनियर इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल, ये आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86 करोगे, इसको क्या हो गया? हाँ, क्वेश्चन नंबर 86। सोचो इस क्वेश्चन के बारे में। A man who recently died left a sum of ₹3,90,000 to be divided among his wife, 5 सन है, 4 डॉटर है 10 जने हो गए, एक बंदा रह गया क्रिकेट की टीम से। अरे खुद भी तो है, 11 बंदे पूरे हो गए, सही बात है, ये बंदा ठीक था। He directed that each son should receive 3 times as much as each daughter receive, ठीक है भाई। और डॉटर को जो पैसे मिलते हैं मदर से 2x मिलते हैं, तो वाइफ का शेयर बताओ कितना है? करो इस क्वेश्चन। सर पांड्या की कैप्टनसी पे 2 शब्द। नहीं, हम छपरी के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्वेश्चन की बात करेंगे। तो लोकेश ने बताया है इसका आंसर सी ऑप्शन 10,000, अंकित ने बताया है सी, अक्षत ने बताया है सी, ठीक है 10,000 ये बात ठीक है। तो सन की बात हो रही है, डॉटर की बात हो रही है और मैन की वाइफ की बात हो रही है। उसने बोला है हर एक डॉटर को वाइफ से डबल पैसा मिलता है, कि अगर वाइफ को ₹X मिलते हैं तो हर एक डॉटर को 2X मिलता है, यही बात बोली है ना, सही बात है। He directed that each son should receive 3 times as much as daughter। डॉटर से 3 गुना मिलता है सन को, मतलब हर एक सन को 6X मिलते हैं, एक सन की बात हो रही है यहाँ पे। तो उसके भाई टोटल कितने सन थे? 5 सन थे, तो 5 × 6x, इतना पैसा तो ले गए सन। 3 डॉटर थी, डॉटर कितनी थी? 4 डॉटर थी, हर एक डॉटर को पैसे मिले 2x, तो सभी डॉटर्स को इतने पैसे मिल गए। वाइफ तो एक ही है और उसको पैसे मिले हैं ₹X, टोटल पैसा हो गया 3,90,000। और जब आप इस लीनियर इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे 39x बराबर 3,90,000 आ रहा है। 39 से 39 को उड़ा देना, x की वैल्यू आपके पास 10,000 आ जाएगी। इसका मतलब वाइफ का जो शेयर होगा वो आपके पास 10,000 होगा। जल्दी से डन कर दो सारे बंदे, अगर आपको लीनियर इक्वेशन का ये क्वेश्चन भी पसंद आया हो तो। ठीक बात है, थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, कोई और क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैं दोबारा बता दूं, लीनियर इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल की बात कर रहा हूं, बस ये स्क्वायर वगैरह नहीं करना, क्वाड्रेटिक में चला जाएगा। बोतल जूस की बात भी नहीं करनी, लीनियर इक्वेशन ऑफ डबल वेरिएबल में चला जाएगा। ये ठीक है मिस्टर शर्मा, ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 80 के बारे में बताएंगे, आपका क्या ख्याल है? क्वेश्चन नंबर 80, भानु कह रहा है सर आई एम रियली सॉरी टू बॉदर यू, प्लीज डू टेल मी दैट हाउ कैन आई ज्वाइन CDS 2 2024 बैच फॉर मैथ्स। देखो भाई, फिलहाल ऑफलाइन बैच तो स्टार्ट हो चुका है, ऑनलाइन बैच के लिए फिलहाल अभी मेरे पास कोई अपडेट नहीं है, ठीक है। जो भी अपडेट बैच अगर आने की संभावना है तो भी पेपर के बाद ही आएगा, ठीक है, NDA के अपने CDS के पेपर के बाद ही आएगा, जो भी बैच आएगा। तब तक मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अपनी एप्लीकेशन के ऊपर रिकॉर्डेड बैच है कंप्लीट सिलेबस का, आप एक बार उस रिकॉर्डेड बैच को देख लें, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, किफ़ायती है, लेकिन उसके अंदर कंप्लीट सिलेबस है, ठीक है। करो भी, क्वेश्चन नंबर 80 करेंगे, 80वां क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 80, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा करके देखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन की हम थोड़ी सी इज्जत करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से काट के खेल के मैदान में लेके चलता हूँ। फिर इस क्वेश्चन को तो अंकित ने इस क्वेश्चन का आंसर सी बताया है। ऋतिक ने भी इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये सी बताया है। करें फिर इस क्वेश्चन को, चलो सुनो फिर। कहता है अकॉर्डिंग टू मिस्टर शर्मा विल हाफ ऑफ हिज प्रॉपर्टी गोज टू हिज वाइफ, रेस्ट इज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन हिज टू सन। टोटल प्रॉपर्टी अगर मैं एक्स बोलता हूं एक्स, तो उसने बोला है कि इस एक्स में से आधी प्रॉपर्टी उसकी वाइफ के पास चली जाए, बाकी की जो प्रॉपर्टी है वो दोनों सन के पास आधी आधी हो जाए। तो आप x/4 कहेंगे, ठीक बात है, ओके। x का आधा कर दिया x/2, उसका आधा दोनों सन ने बांट लिया, x/4 और x/4। ये पहला सन है, ये दूसरा सन है, और ये बात होगी वाइफ की। फिर वो क्या कह रहा है, सम ईयर्स लेटर रवि डाइज एंड लीव हाफ ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज विडो। लो भी कुछ टाइम बाद रवि जो है वो बचा नहीं, उसकी आधी जो प्रॉपर्टी है मतलब x/8 वो चलेगी उसकी वाइफ के पास, और बाकी की जो आधी प्रॉपर्टी है x/8 वो प्रॉपर्टी उसने दे दी किसको, अपने ब्रदर की ओर चलेगी उसके पास। तो s2 के पास जो टोटल प्रॉपर्टी हो गई वो x/4 प्लस x/8, मतलब इसके पास टोटल प्रॉपर्टी अब हो चुकी है 3x/8 हो चुकी है, सही बात है। आगे क्या बोला, वेन राज डाइज ही लीव हाफ ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज विडो। इसकी आधी प्रॉपर्टी इसकी वाइफ के पास चलेगी इसके मरने के बाद, इसकी वाइफ के पास w2, सही बात है। और बची आधी प्रॉपर्टी जो है वो 3x/16 जो बची वो उसकी मदर के पास चलेगी, यहाँ से इधर चलेगी। और अब मदर के पास टोटल प्रॉपर्टी कितनी होगी, x/2 तो पहले थी, अब 3x/16 और आ गई, और मदर के पास अब उसने बोला टोटल 88,000 रुपये हो गए। यहाँ पर आप इसको, अब लीनियर इक्वेशन बन चुकी है, इसको सोल्व करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। ऊपर आ जाएगा 11x = 8, 88,000। 11 से 88 को काटूंगा 8 बार, और 16 × 8 आप जानते हैं 132 होता है, नहीं 128 होता है, सॉरी 128। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है 1,28,000। करो चेक। हाँ भाई, बनी बात, जल्दी से यस करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला गया अपने वैसे वैसे करते आए। मैंने मिस्टर शर्मा की टोटल प्रॉपर्टी x मान ली थी, उस x का आधा मदर उसकी वाइफ के पास चलेगी प्रॉपर्टी, और बाकी जो x/2 बच गई उसके 2 हिस्से कर दिए, ठीक है। बाकी जैसा जैसा क्वेश्चन में बोलता गया मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाता गया, उम्मीद करूँगा कि आपको ये क्वेश्चन जो है ये समझ आया होगा, और ये क्वेश्चन भी आपके पास लीनियर इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल के ऊपर क्वेश्चन था। ठीक बात है, ओके। थोड़ा सा और आगे चलते हैं आप। इसके बाद लीनियर इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल के ऊपर अगर हम और क्वेश्चन देखें तो लीनियर इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल, डबल वेरिएबल के क्वेश्चन मुझे काफ़ी दिखाई दे रहे हैं, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन मुझे काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी के कंसेप्ट हम आगे करेंगे भाई। इनइक्वालिटी के कंसेप्ट जो है आपने घबराना नहीं है, बहुत मज़ेदार होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल के ऊपर तो बस लगभग इतने क्वेश्चन ही आए थे, आपने देख लिया किस टाइप के क्वेश्चन है। चलो ये करो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आप देख पा रहे हो अभी, क्वेश्चन नंबर 9 करो। 9वां क्वेश्चन जो है ये भी आपका क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल का है, क्वेश्चन नंबर 9 करो। प्रवीण कह रहा है गुरुजी कल से बोर्ड पे करेंगे, इस पर वो बात नहीं बनती। ठीक है भाई, बंदे ने थोड़ा सा सीरियस होके बोला है, कल से फिर बोर्ड पे मिलेंगे, कल से 5 बजे रेडी रहना फिर। ठीक है भाई, सभी लोग कल से फिर अपने बोर्ड पर पढ़ेंगे, क्लास की टाइमिंग मैं भी फिक्स कर रहा हूँ, 5 बजे लाइव रहेंगे कल। मुकेश कह रहा है कि सर 50 है क्या कहीं ऑप्शन में? ऑप्शन भी देख लेते हैं, 40, 50, 60, 70 ऑप्शन के अंदर आपको 40, 50, 60 और 70 दिखाई दे रहा है ऑप्शन में। 40, 50, 60, 70 तो इसका आंसर जो है 50 बताया जा रहा है। और विशाल का एक बहुत ही अजीबोगरीब क्वेश्चन है, सर क्या 20 दिन में मैथ्स के लिए 30 मार्क्स ला सकते हैं क्या? आराम से आ सकते हैं। थोड़ा सा अगर आपका मैथ्स के अंदर पकड़ हल्की सी ठीक है, कैलकुलेशंस आप अच्छे से कर लेते हो, और मैथ्स के अंदर आप 10th क्लास तक लगभग 70% मार्क्स लाते रहे हो, तो 20 दिन के अंदर भाई 50 नंबर भी आ सकते हैं। 30 तो बहुत कम की बात कर दी आपने। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, कहता है बस स्टार्ट विद सम पैसेंजर। बस के अंदर भाई कुछ लोग थे, मैंने मान लिया कि x लोग थे। एट द फर्स्ट स्टॉप 1/5 ऑफ पैसेंजर गेट डाउन, x बाय 5 लोग उतर गए, पीछे कितने बचे? 1/5 अगर निकल गए तो x में से x बाय 5 को माइनस कर दो। 4x बाय 5 लोग ऐसे हैं जो बस में अभी भी बैठे हुए हैं, 4x बाय 5। फिर कहता है बस के अंदर 40 पैसेंजर चढ़ गए। ठीक बात है भाई, बस के अंदर इतने पैसेंजर हो गए, 4x बाय 5 प्लस 40। फिर बोला है एट द सेकंड स्टॉप 1/2 ऑफ द पैसेंजर गेट डाउन, इसके आधे बंदे उतर गए, पूरे का आधा कर दो, 20 प्लस 2x बाय 5, इतने लोग उतर गए, आधे बच गए। 20 प्लस 2x बाय 5 ही बच गए। आगे क्या बोला, हाफ ऑफ द पैसेंजर गेट डाउन एंड 30 गेट इन। 30 बंदे जो थे और चढ़ गए बस में। अब बस के अंदर टोटल इतने बंदे हो चुके हैं। द नंबर ऑफ पैसेंजर नाउ इज 70। इसकी वैल्यू कहता है 70 के बराबर है। अब तो हो गया नकली क्वेश्चन है। 70 में से इस 50 को माइनस कर दो, 20 हो गया। तो 20 बराबर हो गया 2x बाय 5। 2 से 2 को उड़ा देना, x की वैल्यू आपके पास 50 आ गई। इसका मतलब बस के अंदर पहले 50 पैसेंजर थे, x की वैल्यू 50 थी। ठीक बात अभी ओके बनेगी बात। अक्षत भी कुछ कह रहा है, सर आई वॉच योर लेक्चर, यू आर ग्रेट। ओह वेरी गुड, ये अच्छा था। सर ऐसे कौन से टॉपिक परफेक्ट करने से आई कैन क्लियर फॉर आई एम ए ऑल्सो इन मैथ्स। देखो भी, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद अर्थमेटिक, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा। ये मैंने आपको जो सिलेबस बताया है ये मार्क्स के अकॉर्डिंग बताया है कि आप किसको आपको सबसे पहले करना चाहिए था। मैंने उसके अकॉर्डिंग आपको ये बताया है। अलजेब्रा को मैंने बिल्कुल लास्ट में रखा है क्योंकि अलजेब्रा आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो आप ज्योमेट्री मेंसुरेशन को जरूर करो। अगर आप ज्योमेट्री मेंसुरेशन के क्वेश्चन करते करते बोर हो रहे हो, उसके पैरेलल आप ट्रिग्नोमेट्री को उठाओ। ज्योमेट्री मेंसुरेशन के साथ ट्रिग्नोमेट्री जो है ये 45 नंबर की है। ठीक है, ज्योमेट्री मेंसुरेशन प्लस ट्रिग्नोमेट्री 45 मार्क्स। तो आप इनको मैं सलाह दूंगा सबसे पहले करें, उसके बाद बाकी चीज़ें जो है वो कर लेंगे। ठीक है, पढ़ेगी बात। तो क्वेश्चन नंबर 9 में उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोगों को समझ आया होगा क्वेश्चन नंबर 9। और ये क्वेश्चन आपके पास लीनियर इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल का ही था। लीनियर इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल, ये लो भी। मुझे एक क्वेश्चन और दिखाई दे रहा है लीनियर इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल का। बताओ इसका आंसर क्या आएगा। स्टैटिस्टिक्स की क्लासेज जो आज से शुरू करी है भाई, रिकॉर्डेड क्लासेज है। ठीक है, डेली मैं वीडियो बनाकर उसकी जो अपलोड कर रहा हूँ ज़रूर देख लेना। 5 नंबर की लगभग आएगी स्टैट्स, और 5-6 क्लासेज ये आपने देखनी है, उससे आपके 5-6 नंबर जो है पक्के हो जाएंगे, इसलिए आप उसको ज़रूर देख लेना। इसका आंसर नन बताया जा रहा है। चौथे ऑप्शन की ओर लोग जा रहे हैं। जो लोग चौथा ऑप्शन बता रहे हैं ना, वो आंसर जरूर लिखो यार, पता लगे आप लोगों का आंसर क्या आया है, कितने रुपए आया है आंसर। प्रणव कह रहा है सर स्टैट्स पिछले वाले कोर्स से करना। प्रणव इससे करो, आपको कुछ बढ़िया मिलेगा उससे, थोड़ा सा आपको ना किफायती मिलेगा और अच्छा मिलेगा उससे। हालांकि पहले वाले मैंने पूरा अच्छे से कराने की कोशिश करी होगी, बढ़िया ही कराया होगा, लेकिन इस बार मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कुछ आपको जोरदार मिलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर 320 320 320 बताया जा रहा है। एक्स वाई एंड जेड हैड टेकन ए डिनर टुगेदर, द कॉस्ट ऑफ मील ऑफ जेड वाज 20% मोर देन दैट ऑफ वाई। वाई की अगर कॉस्ट एक्स नहीं लेता मैं, एक्स नहीं लेना चाहिए अपने को, क्योंकि एक्स ऑलरेडी बंदा है एक्स नाम से। तो अगर मैं ये बोलूं कि वाई ने टोटल पैसे अगर ए दिए, तो जेड ने बोला है वाई से 20% ज़्यादा दिए, और किसी को अगर 20% बढ़ाना हो तो तरीका क्या था भाई, उसको गुणा कर दो 120/100 से। आप शायद मेरी बात से सहमत होंगे कि अगर किसी नंबर को 20% बढ़ाना हो ना, तो उसको 120/100 से गुणा कर दो। द कॉस्ट ऑफ मील ऑफ एक्स वाज 5/6 एज मच एज द कॉस्ट ऑफ मील ऑफ जेड। जेड की जितनी मील की कॉस्ट है उसको कहता है 5/6 से गुणा कर दो, वो आपके पास एक्स की कॉस्ट आ जाएगी। तो 120/100, ये जितनी भी जेड की कॉस्ट थी उसके उसने बोला है कि 6/5 से गुणा कर दो, और सॉरी 5/6 से गुणा कर दो। ठीक बात है। फिर वो बोल रहा है इफ वाई पेड 100, वाई ने 100 रुपए पे किए है, ए की वैल्यू तो दे ही रखी है मूर्ख, फालतू में ऐसे मत्था मारा रहा है। ए की वैल्यू आपको 100 रुपए दे रखी है, तो क्यों इतना पंगा कर रहे हो। वाई 100 है, जेड 100 से 20% ज्यादा है, और जेड अगर 120 है, इसका 5/6 कर दो, एक्स फिर 100 आ गया, और तीनों का सम उसने पूछा है, 320 रुपये आएगा। ये तो नकली था, सिंगल वेरिएबल की ओर भी जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ए की वैल्यू आपको क्वेश्चन वाले ने डायरेक्ट 100 दे रखी थी। क्वेश्चन वाला मूर्ख नहीं था, हम करने वाले मूर्ख थे। ठीक है भाई, ओके है, समझ आया। करो डन, फिर जल्दी से डन कर दो इसको। फिर क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। हाँ भाई, ये प्रैक्टिस शीट का आप क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। विशाल कह रहा है सर एक्सटर्नल प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाए मैक्सिमम मॉक टेस्ट लगा के। और मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आधा घंटा या 1 घंटा बैठ के टेस्ट लगा लिया, फिर इधर उधर देखने लग गए, या फिर थोड़े खड़े होके कहीं चले गए। नहीं, पेपर वाली फील लेनी है पूरी। जब कभी मॉक टेस्ट लगाओ 2 घंटे अपने आप को बांध दो, फ़ोन को दूर फेंक दो, जो सिंपल वाली वॉच होती है वो अपने पास रख लो बस। ठीक है, और कुछ नहीं, मोबाइल तो आसपास भी नहीं होना चाहिए मॉक टेस्ट के टाइम पे, तब आपको फील आएगी थोड़ी सी पेपर की। प्रणव कुशवाहा का कहना है कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 500 आएगा, 500। राजस्थान का क्या बन रहा है वो भी देखें एक बार। 43/2, वेरी गुड, राजस्थान जीतेगी फिर तो। हाँ भाई, लोकेश कह रहा है 480 आएगा। ये तो बहस का मुद्दा हो गया भी, कोई बंदा 500 कह रहा है, कोई बंदा 480 कह रहा है। अक्षत भी 480 की ओर गया है। जिस किसी को ये PDF चाहिए हो भाई, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना चंडीगढ़ करियर ग्रुप के नाम से। चंडीगढ़ करियर ग्रुप नाम से टेलीग्राम चैनल होगा, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। आपको एडवांस मैथ्स की पूरी PDF मिल जाएगी। ठीक है। ए स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू फाइंड 5/16 ऑफ ए नंबर। किसी नंबर X का स्टूडेंट को 5/16 करने के लिए बोला गया था। बाय मिस्टेक उसने 5/6 कर दिया, उसने कर दिया 5/6, उस एक्स का उसने 5/6 कर दिया। इससे आंसर ये 250 ज्यादा है, ये पहले वाले आंसर से ये दूसरे वाला आंसर जो है ये 250 ज्यादा है। तो इन दोनों में माइनस लगाकर = 250 कर दो। इन दोनों के बीच में माइनस लगाकर = 250 कर देना। अब ये आपके पास लीनियर इक्वेशन आ गई है, और इस लीनियर इक्वेशन को सोल्व करोगे तो 480 आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 480, 500 आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स की जगह अगर आप 500 रखोगे ना तो 500 16 से कटेगा ही नहीं, 500 जो है वो 16 से कटेगा ही नहीं, 300 रखोगे वो भी 16 से नहीं कटेगा, 450 रखोगे वो भी 16 से नहीं कटेगा, 480 है जो 16 की टेबल में भी आता है और 6 की टेबल में भी आता है। आपका इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 480। ठीक बात, ओके। विशाल कह रहा सर एक क्वेश्चन और बता दो। लाइफ अगर एक क्वेश्चन हो रहा है तो एक नकली सा क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 23 भी इसी के ऊपर है, लीनियर इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल के ऊपर आपके पास क्वेश्चन नंबर 23 है। ए टिन ऑफ ऑयल वाज 4/5 फुल, जब 6 बोतल ऑयल निकाल के 4 बोतल ऑयल डाल दिया और वो कहता है 3/4 फुल हो गया, नकली क्वेश्चन है। लोकेश कह रहा है डी ऑप्शन है 40 है। तो इस क्वेश्चन की लीनियर इक्वेशन कैसे बनेगी? टोटल टैंक की कैपेसिटी मैंने एक्स मान ली, इसके 4/5 थी पहले भरा हुआ, 6 बोतल जो है वो ऑयल की निकाल ली गई, 4 बोतल ऐड कर दी गई और अब जो बन रहा है वो 3/4 ऑफ एक्स बन रहा है। सोल्व कर लेना, एक्स की वैल्यू 40 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 40 आ जाएगी। ये क्वेश्चन आपका लीनियर इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल। अगर कोई बंदा स्मार्ट है आपकी क्लास में तो वो इस क्वेश्चन को कैसे करता? वो इस तरीके से करता, 4/5 का मतलब 80%, 3/4 का मतलब 75%, 80% से 75% पे आ गया मतलब 5% की कमी होगी। 5% की कमी किसके कारण हुई? 6 बोतल निकालने के कारण और 4 बोतल ऐड करने के कारण, मतलब 2 बोतल का डिफरेंस आ गया। ठीक बात है, 2 बोतल का, तो 5% अगर 2 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होएगा? 40 के। दोनों साइड मैंने 20-20 से गुणा कर दिया। क्या ये तरीका भी आपको पसंद आया परसेंटेज वाला? हाँ भाई, क्या आपको परसेंटेज वाला मेरा ये तरीका भी पसंद आया कि 80% और 75% के अंदर 5% का फर्क होता है और वो 5% का फर्क 2 बोतलों के कारण आया, तो 5% अगर 2 बोतलों के बराबर है तो 100% आपका 40 बोतलों के बराबर हो जाएगा। ठीक बात है, ओके है। तो आज हमने जो किया है लीनियर इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल किया है, जो कि आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। कल की क्लास आपके लिए बहुत काम की रहने वाली है क्योंकि कल अपने लीनियर इक्वेशन ऑफ डबल वेरिएबल करने वाले हैं। तो उम्मीद करूंगा कल सभी बंदे क्लास के अंदर टाइम पर पहुंचेंगे। कमेंट बॉक्स के अंदर आप इस क्लास के बाद ये बता देना कि क्लास इसी तरीके से ठीक है या आपको बोर्ड पर चाहिए क्लास। अगर आपको क्लास बोर्ड पे चाहिए तो आपकी क्लास की टाइमिंग कल 5 बजे होएगी, और अगर आपको क्लास जो है इसी तरीके से चाहिए तो टाइमिंग 9 बजे होएगी। तो जैसा आपको ठीक लगता है क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको फाइनल बता दूंगा कि क्लास कैसी होगी। ठीक बात है। सर ये अलजेब्रा कितने दिन चलेगा? अलजेब्रा चले अभी कोई शीट नहीं करनी भाई, जब लीनियर इक्वेशन ऑफ डबल वेरिएबल हो जाए ना उसके बाद प्रैक्टिस शीट 1 और 2 करनी है भाई। ठीक है, जब मैं लीनियर इक्वेशन ऑफ डबल वेरिएबल करवा दूँ तब प्रैक्टिस शीट 1 और प्रैक्टिस शीट 2 करनी है, उसके बाद अभी तक आपने कोई शीट नहीं करनी। ठीक है, तो क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स के अंदर बता दें जो कि मैंने आपसे जो बात पूछी है। चलो, थैंक यू सभी को, जय हिंद।